फ्रेंड्स बैक अगेन। तो आज फिर से वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे। तो आज हम जो सब्ज़ी बनाने वाले हैं वो है बिटर गॉर्ड, यानी कि करेले की सब्ज़ी, जिसके लिए हमने हाफ के जी करेले ले लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए हैं हमने और 2 टमाटर ले लिए हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपी रहने वाली है। सबसे पहले हम पील ऑफ करेंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा जो स्किन है, ये देखें जो स्किन है वो थोड़ा थोड़ा सा पील ऑफ करेंगे ताकि इसका कड़वापन अच्छे से निकल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेकिंग। जैसे ही पहला प्रोसीजर मैं फॉलो करके कंप्लीट करता हूँ तो उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करूँगा ताकि आप भी ट्राई करें इसको बनाने की। तो करते हैं अपनी मेकिंग स्टार्ट। सबसे पहले इसको पील ऑफ करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा सा जो अपर स्किन है इसकी, ये आप देख सकते हैं हमने ऊपर से स्किन थोड़ी थोड़ी पील ऑफ कर ली है। तो हम इनको राउंड शेप में कट करके सबसे पहले क्या करेंगे, नमक वाले पानी में डिप करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। नमक वाले पानी में डिप करके रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि जो इसके अंदर कड़वाहट होती है करेले की, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इसको खाते नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द बिटर टेस्ट। येट इसके जो मेडिसिनल फ़ायदे हैं वो बड़े अच्छे हैं, हेल्दी है बड़ा, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है खाना, तो इसलिए लोग इसको स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं खाना। तो आप क्या करें, जब भी इसको पील ऑफ करें तो पील ऑफ करने के बाद सबसे पहले इसको कट करके नमक वाले पानी में कोई 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रखें ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो सारी निकल जाए, और इसको वॉश कर लें आप उसके बाद फ्रेश रनिंग वाटर में। तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम कट करके इसको नमक वाले पानी में ऐड करके रखते हैं और तब तक हम अपने प्याज और टमाटर जो है चॉप कर लेंगे। तो करते हैं अपना सेकेंड स्टेप फॉलो। आप देख सकते हैं करेले हमने काट लिए हैं गोल, तो इसमें हल्का सा हम नमक वाला पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से धो लेंगे। नमक वाले पानी में हम इसको 4 से 5 मिनट तक सोक करके रखेंगे सभी करेलों को। उसके बाद इसको फ्रेश वाटर से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वॉश कर लेंगे और थोड़ा सा सुखाने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसका पानी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे एक बारी। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं करेले जो हैं हमने नमक वाले पानी में डिप करके रख दिए। तो जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट के लिए इनको डिप करके रखेंगे ताकि इनका कड़वापन जो है निकल जाए। उसके बाद हम इनको एक बार फ्रेश वाटर से धो लेंगे और सूखने के लिए डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए। फ़ैन के नीचे भी हम इसको कर सकते हैं और टैप ड्राई भी कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो तब तक हम क्या करेंगे अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ले लिए मीडियम साइज़ प्याज और इनको फाइन चॉप कर लेंगे हम प्याज को। ये जो बीच में से थोड़ा सा कुछ ख़राब है इसको निकाल लेंगे हम, तो फाइन चॉप करेंगे। उसी के साथ टमाटर भी 2 ले लिए हमने मीडियम साइज़, उनको भी फाइन चॉप करेंगे। तो करते हैं अपना थर्ड स्टेप फॉलो। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं प्याज हमने चॉप कर लिए, तो इनको ऐड करते हैं सबसे पहले हम डीप फ्राई करने के लिए। फ्रेंड जो करेले हमने नमक वाले पानी में डाल के डिप करके रखे थे तो उनको 5 मिनट हो गए हैं, तब तक हमने प्याज चॉप कर लिए थे। तो सबसे पहले इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे रनिंग वाटर के अंदर ताकि जो कड़वाहट इसकी है वो सारी इसमें से निकल जाए, और इनको सूखने के लिए डाल देंगे किसी ओपन बर्तन में। उसके बाद इनको डीप फ्राई करेंगे हम मस्टर्ड ऑयल के अंदर। तो सबसे पहले हम इनको वॉश कर लेते हैं इन रनिंग वाटर। आप देख सकते हैं प्याज हमने जो है वो ऐड कर दिए। तो जब तक प्याज हमारे डीप फ्राई होते हैं तब तक हम टमाटर 2 जो है वो मीडियम साइज उनको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारे ऑलमोस्ट हो गए। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ताकि प्याज जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए, और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो नमक हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमने करेलों में भी ऐड किया था। मैं करेले भी आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने धो के सॉफ्ट वाटर से वो निकाल लिए हैं बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने सूखने के लिए रख दिए थे करेले थोड़ी देर के लिए, तो पानी इनमें से सारा निकल चुका है, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। तो मस्टर्ड ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद हम करेले जो है डीप फ्राई करके रख लेंगे। तो हमारा जो टमाटर और उसका प्याज का मिक्सचर है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वो हाफ डन करके हमने रख लिया, अभी इसमें मसाले ऐड करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि टेक्सचर कितना अच्छा आया मसाले का। अभी हमने जो इसके अंदर ऐड किया है
ये देखें मैं आपके साथ ऊपर शेयर करता हूँ इसको उठा के। प्याज हमने इसमें ऐड किए हैं, टमाटर हमने ऐड किए हैं, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ऐड किया और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किए हमने इसके अंदर। तो जैसे ही करेले हमारे डीप फ्राई हो जाएंगे उससे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले बड़े सिंपल से रहने वाले हैं और उसी के साथ हम करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो वेट करते हैं, ये देखें मैं आपको दिखा, जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले मैंने इसी में ऐड कर दिए। हमने धनिया पाउडर इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है, सौंफ पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है 1/4 टेबल स्पून, और इसके साथ हमने इसमें 3 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका ऐड किया है यानी कि विनेगर, और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे। तो सिरका जो विनेगर है वो हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि जो उसका थोड़ा सा बिटर टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। ऑलमोस्ट वो तो हमने ख़त्म कर लिया है नमक वाले पानी से इसको धो के, बट जो थोड़ा बहुत इसमें 10 से 15% या 20% बिटर टेस्ट होगा वो सिरका उसको बैलेंस कर लेगा और कड़वा लगेगा नहीं हमें। तो आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल के भी शेयर कर दूंगा कि मसाले कौन कौन से रहने वाले हैं इसके अंदर। तो वेट करते हैं, अभी हमारे जो करेले मैंने ऐड किए थे आपके साथ शेयर करता हूँ, वो डीप फ्राई हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, करेले डीप फ्राई हो रहे हैं। बीच बीच में इनको हम थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, स्टर करेंगे ताकि ये जले ना। ये देखें तो ये डीप फ्राई हो रहे हैं, अभी जैसे ही डीप फ्राई होंगे हम निकाल के जो सेकंड बैच है करेले का वो इसके अंदर ऐड कर देंगे डीप फ्राई होने के लिए। तो वेट करते हैं इनके डीप फ्राई होने का। ये आप देख सकते हैं करेले का लास्ट बैच हमारा जो है थर्ड बैच वो डीप फ्राई हो रहा है। तो जैसे ही ये डीप फ्राई हो जाता है उसके बाद हम इसको भी उसी ग्रेवी में ऐड कर देंगे जो मसाला हमने तैयार किया है करेलों के लिए, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, स्टर करेंगे मीडियम इंडक्शन के ऊपर। तो करेले की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं करेले हमारे यानी कि बेटर गॉड बन के तैयार हो गए हैं। तो कड़वे नहीं बनते, आप एक बार जो प्रोसीजर मैंने आपके साथ रेसिपी का शेयर किया है उस रेसिपी से बना के देखें। होप आपको वीडियो अच्छी लगे और एक बार आप ट्राई करें तो आपको अच्छे लगें ये खाने में। तो एक बार उन लोगों से भी टेस्ट कराएं जो इसको स्किप करते हैं खाना या जो पसंद नहीं करते खाना। तो कल एक नई वीडियो लेके दोबारा आपके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Good night, stay safe.